पता नहीं हम लोग क्या गुल खिलाते हुए आएंगे, ये नहीं पता। बस निकल दिया है, कहाँ गई स्टाइल मारने वाली लड़की? ये फुल स्टाइल, मतलब ठंडोरी कह के निकली थी ये बाहर, और हाथ में जैकेट लेके निकली है। अब हो रही है बाहर धूप। अब देखो कहाँ जाते हैं, अभी कुछ नहीं पता, बस ऐसे ही निकल लिए तैयार होके पैदल यात्रा पे। जितना रेड रेड जितनी बिल्डिंग दिख रही है, पूरे सिविल लाइंस को रेड कर दिया गया है इलाहाबाद में। चलो अपनी मंजिल पे पहुंच गए हम। खूब कैश रखा है विंकी ने, आज गड्डियां ही गड्डियां रखी है, कपड़े दिलाएगी। कपड़ा बाद में देख रही है, पहले प्राइस टैग देख रही है। अगर तुम्हें सही लग रहा है तो तुम ले लो, मुझे तो अच्छा लग रहा है। सारी चमक तुम पे ही आ रही है छोटी, ऊपर लाइट से। किने ले लिया एक कुर्ती और मैंने ले ली एक जीन्स। अरे दो तीन बार मैंने कैंसिल करी थी, मैं वहाँ थी ना, दो तीन बार मैंने कैंसिल करी उसके बाद। अरे वहाँ थी, वहाँ भी नहीं बोलती थी, काम करती तो ले लेती हूँ, रहने देती हूँ। मन हुआ कि चलो ले, बहुत सोचा समझा, बहुत सिचुएशन सोचते। कैरी बैग का सीन मुझे समझ नहीं आता, लोग कैरी बैग के जो चार्ज करते हैं वो भी अपना अपना नाम लिखा होगा इनके कैरी बैग में। दीदी को बहुत अपने प्रमोशन के लिए हमसे पैसे लेते हैं, बताओ। दिखाना दिखाना दिखाना, बाप रे बाप, बताओ। 18 रुपए कैरी बैग के ले लो भैया, आधी कमाई तो इनकी इससे हो जाती है। अब कहाँ जाना है हम लोगों का? अब कहाँ जाना है पहले डिसाइड करो। देखो सुनो चीज, अगर अभी हम विशाल में ना, जैसे हमने जीन्स ली है ठीक है, अगर हम सुमित को लेकर आते और पहले जीन्स दिखा देते, सब पसंद आ जाती सुमित को कि हाँ ठीक है। लेकिन अगर सुमित प्राइस देखता ना उसका 800 रुपए 900 रुपए, नहीं लेनी, नहीं लेनी, ले लूंगी फिर। अच्छी होनी चाहिए, प्राइस कम है, नहीं लेनी, बोले देख के मना करेगा। मेरी फ्रेंड ने मास्क पहन, वो हाँ इसको निकाल दो, पे करो। प्रिया ने मेरी बेइज्जती कर दी पिछले वाले ब्लॉग में कि भैया फटा मास्क पहन के घूम रही है तो वीडियो है, तो मैंने सोचा अभी यही, अभी अभी मैसेज आया उसका, मैंने सोचा कि अभी मास्क लेती हूँ, ट्राई थोड़ी करूँगी मास्क को। हाँ फट गया है अंकल, कह रहे अंकल कह रहे थोड़ा फट गया है। लो प्रिया जी खुश हो गई, हाँ नया मास्क ले लिया मैंने। मीठा पान है ना, तंबाकू तो नहीं डलवा रही हो? तुम नहीं खाओगी? एकदम इलाहाबादी वाली फीलिंग आ रही है, पान खा के। पान पान खा के थूकना भी इलाहाबादियों की तरह पिचकारी भी मानी है। वहाँ जाओ बाय, जिन अंकल की है ना, अंकल जी आ गए। अंकल चाबी दे रहे, जाओ छोड़ के हमें, पक गए। सुमित के लिए हमने गोलगप्पे पैक कर लिया और हमने खुद खा लिया है, शॉपिंग भी हो गई, अब चलते हैं घर, देखते हैं घर पे चाय का इंतजाम होता है नहीं होता। शॉपिंग का ये झोला है तो लग नहीं रहा कि शॉपिंग। देखो कितनी अच्छी वीडियो आ रही है, अभी घर जाएंगे उस कमरे में जाके सब एक जैसे दिखेंगे। पापा की कार्बन कॉपी जल्दी आओ, 190। पुलिस वाले की जैकेट पहन के मत समझना, खुद भी वैसा ही लग रहा हूँ। हाँ मेरा जीन्स है, बहू के लिए आ गया। ये मेरी बहू के लिए जींस है। अच्छा बेटी के लिए है, सूट है बेटी के लिए। यार ये चप्पल पे मेरा दिल आ गया था, चप्पल दिखाना, फिर मैंने नहीं ली क्योंकि मैंने 199 की वाली मीशो से ले ली थी ना, मिनी शू से। ये इलाहाबाद की सबसे फेमस पान शॉप है, ये अभी इसका प्लेस चेंज हो गया, पहले ये सुभाष चौराहे पे थी, अभी ये यहाँ पे आ गई। से
ऐसे बोल रहा था छोटा ट्रेन चल तब हमारे यहाँ पर हफ्ते में ये जो इंसान है हफ्ते में चार बार भी अगर चिकन खिला दो तो पेट नहीं भरता तो आज का बहाना चिकन का मटन चिकन का ये था मेरे गले में अरे आज मेरे गले में थोड़ी खराश हो रही है तो उसके लिए थोड़ा गर्म खाना बनता है आज चिकन हो जाए ये था आज चिकन का बहाना और ये कौन सी आरती में से होके आ रहे हो गंगा आरती क्या क्या विश मांग कर आ रहे हो अच्छा आप नहीं गए थे तो आप क्या मांग कर आ रहे हो एक अच्छी सी नौकरी दे दे भगवान अच्छा अपनी आप बीवी को या आपको नहीं दोनों लोगों को अच्छा किसी में कमी नहीं होनी चाहिए एक में नहीं दोनों को दे दे चिकन चिकन बन रहा हो और ये देखो ये सब ना पधा रहे घर पे हाँ कहते रही हो चिकन बन रहा और घर पे भीड़ ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता क्या बन रहा हरे मटर की पराठा इसका भी वीडियो इसमें है क्या क्या आलू मटर है आलू है हरी मटर है लहसुन है धनिया पत्ती है पराठा बनेगा इसके लिए ये कांड क्या हो रहा है मुझे पहले ये बताओ ये क्या हो रहा है ये बन रहा है चिकन काला चिकन काला बन रहा है इसके प्याज को काला हर चीज काली करके डाली जा रही है वो देखो ये नारियल काला कर दिया जला के अब इस प्याज की बारी है पता नहीं क्या बनेगा ये चटनी है चिकन के लिए है ना टमाटर के इसमें अपने लिए अच्छा ये तो अपने लिए है मैं सब कह रही हूँ चिकन मम्मी मम्मी बाप रही चिंता रही मैं वीडियो में कब आऊँ ये बात नहीं ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने सॉरी क्या करे देखना भी नहीं चाहती ये बर्तन साफ है इसको जल्दी से धुल के वहाँ पे हटा देना ठीक है जाओ क्या करे देखना भी नहीं अगर ये चिकन अच्छा नहीं बना तो भैया क्या ये दोनों मुझे उड़ा दो ये पक्का आज सब यही बोल रहा है कि चिकन अच्छा नहीं बना मैं सबको बता कर आती हूँ ठीक है लेकिन सबको उनके सब फेवरेट उनकी कसम रहेगी सही सही बोलेंगे ठीक है आप देखिए हमारे घर में बहुत महंगा चिकन बन रहा है विद आमंड्स सुमित कम हियर इधर आइए पहले आप पहले बताइए जिंदगी में एक ही बार चिकन बनाने वाले हैं क्या आखिरी बार सारी कमाई निकल जा रही है इसमें मतलब हाथ दो की कुछ भी बना रहे हो बता कुछ वहाँ वो देखो ये देखो सब काला करती अबे तो बनता है ऐसे या कुछ भी क्या होता है ये बनता है रेसिपी है ये ओके देखते हैं पत्ता कैसे है अभी हंस रहे हो आप अभी अभी सब अभी बनाया है शुरू शुरुआत में सब आते हैं ओहो वर्क फ्रॉम होम सबसे काम करवा दियो सुमंदर चिकन के लिए टमाटर तुम काट दो चिकन तुम धो दो और प्याज मैंने काट दिया और लहसुन वगैरह छील दो और वो चटनी जो वो करी थी वो पीस दो सब काम सारा करवाने के बाद सुमित कह रहा मैं बनाने वाला हूँ चिकन काला वो क्या है ग्रीन वो भी पता नहीं क्या क्या करवा दिया सुमित ने भाई कह रहा मेरा लैपटॉप दे दो वो भी टेबल में या गोद में ला के दे दो तो वेज वालों के लिए बन रहे हैं आलू मटर के पराठे मैंने कभी आज तक जिंदगी में नहीं खाए आलू मटर को आलू के पराठे खाए लेकिन आलू और मटर के पराठे नहीं खाए तो देखते हैं आज कैसे बनते हैं दूसरा बावर्ची चिकन काला ही बन गया ये आज कहा नहीं पाएगी ये नॉन वेजिटेरियन है ये खाती है चिकन लेकिन आज इसलिए नहीं खा रही कल इसका फास्ट है और बड़े मन मार के बैठ गया खुशबू सूंघ जा रही है यहाँ से शुरू टाइम पे मैं यहाँ खड़ी हूँ सिर्फ खुशबू सूंघने के लिए आज का फीडबैक अभी खाया नहीं है खा के देखा और आज किसी ने अगर बुरा बोला तो सुमित की सुमित अपनी मूछे मुंडवा देगा कैची का है उस तरह लेके बैठो जा रहे लेकिन चिकन काला है आज चिकन काला बना इसका नाम है चिकन काला बढ़िया दिख भी रहा है बढ़िया महक भी रहा है तुम नहीं खा सकती पर आज ये रोटियां बना रही है इधर इधर पराठे जल रहे हैं ध्यान इसका चिकन में पूरा चिकन में पानी ज्यादा तो नहीं हो गया पहला बाइट सुमित खुद का टेस्ट कर रहा है सूंघ रहा कहो बोलो बस वीडियो बन रही है यहाँ हाँ जूम करके दिखा रही हूँ मैं एकदम जूम करके रुको ना मम्मी हटो
बढ़िया है, उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा जला जला है। कैसा बना भैया? ओहो हो हो। चलो पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया। आलू मटर के पराठे और चटनी टेस्ट करो। देख रही हूँ मम्मी, मम्मी आपने 6 पराठे खाए आज, खा लो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, खा लो। मम्मी की लाट टपक रही है। कैसे हैं? मिक्स कर दिया हमने। ऐसी शक्ल आ रही है मिंकी चीची। खाना पीना हम लोगों ने खा लिया, अभी भी उन लोगों का खाना पीना चल रहा है उधर, और बहुत सारी लंबी बातचीत चल रही है जो कि बहुत अभी लंबे स्तर पर जाने वाली है। इसलिए मैं ब्लॉग को यही एंड करूँ, क्योंकि सर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है, 10:30 हो गए, 12 बज जाएंगे उस टॉपिक को। तो वीडियो को यहीं पर गुड नाइट करते हैं और चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।